आज मोदी जी आने वाले हैं। देवघर में मोदी जी आ रहे हैं, एक्साइटमेंट सब जगह है। कहीं भी रास्ते में जाओ आपको बैनर दिखेंगे, एवरीवन्स टॉकिंग अबाउट मोदी जी। अब इस देवघर के लड़के को स्टोरी बनानी है, बिकॉज़ दैट्स व्हाट ही लव्स। मैं सोच रहा था कि मोदी जी पे स्टोरी कैसे बनाया जाए। सबसे पहले मंदिर चला गया। मोदी जी के आने के बाद बाबा मंदिर बैजनाथ धाम का विकास होगा। अब विकास होगा पब्लिक के लिए होगा। पूरी तैयारी हो गई पूजा को लेकर? हाँ, वो सब सारी तैयारी हो गई है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे मोदी जी आ रहे हैं, वो भी झारखंड में पहली बार। जिस तरह बनारस में मोदी जी ने किया हुआ है, मोदी जी से अनुरोध है कि यहाँ का भी विकास उसी हिसाब से करे। पर ये पहला बार हो रहा है कि बाबा वैद्यनाथ जी का दर्शन करेंगे। हम नाटन करने आ रहे हैं और बाबा वैद्यनाथ का पूजा भी करने आ रहे हैं। पूरे मोहित की तरफ से उनका जय जयकार हो। देवघर में 12 बजे इतनी खाली खाली मंदिर मैंने देखे। सारे लोग अपने सीट पे एकदम बैठे, सब मोदी जी की राह देख रहे थे। मैंने 450 व्लॉग बना दिए, लेकिन कभी भी बाबा के अंदर जाके एज अ देवघर वासी कभी मैंने शूट नहीं किया। लेकिन आज कुछ कर नहीं रहा, मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, हो गया। मतलब मैं भी करप्ट हो चुका हूँ व्यूज के चक्कर में। सभी मीडिया वालों से अनुरोध है, रिकॉर्डिंग करेंगे। सब पे बोला जा रहा है कि इनके पास पास हो बस वही रहेगा, बाकी सब निकल जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि कोई वीडियो वगैरह बोला जा रहा है कि मुझे निकलना होगा, लेकिन मैं किसी तरह यहाँ पे इधर उधर से छुप छुप के किसी तरह हूँ कि बस मुझे 120 FPS मोदी जी का बस मिल जाए तो अपना पूरा मेहनत जो वो सफल हो जाए। 12:30 अभी बज रहे हैं और मोदी जी से मैंने पूछा, भैया लोग तो बता रहे हैं कि 2:30-3 बजे आएंगे, मतलब 2 घंटे क्या करना है कुछ पता नहीं यार। बाहर जाओ तो फिर वापस घुसने नहीं मिलेगा, खाना वाना तो भूल ही जाओ, कुछ खाया ही नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि 2:40 तक यहाँ पे रुका जाए, किसी तरह घर चले जाए। 120 FPS के चक्कर में ना मोदी जी देवघर आने वाले थे, एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन करना था, बाबा धाम में पूजा करनी थी। अभी सब लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, इट्स ऑलमोस्ट 1 बज चुके हैं, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि हम लोग नहीं जाएंगे, थोड़ा सा डिस्प्यूट वगैरह भी चल रहा है। सबको ये जाने बोल रहे हैं तो विरोध होगा अभी। हाँ, निश्चित होगा, बिल्कुल होगा।
अरे भाई बाबा पीएम और प्रेसिडेंट बहुत होता है बाबा। जाना ये परिसर चेक, आदमी चेक नहीं होगा परिसर चेक, परिसर चेक होते परिसर जान जाते फिर बैठ बैठे। जब वो गए थे कई वहाँ पर मुझे अर्चना की हम लोग तो बाहर चल रहे हैं, मिलेगा किसी बाता बाती बहुत ज्यादा। मुझे लगा कि मामला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, ये उनको वो इनको, मतलब एक दूसरे में चल रही थी। मुझे अंदर से आवाज आई कि बेटे तुम निकल लो यहाँ। मुझे लगा कि ये जगह पे ऐसी चीजें होनी नहीं चाहिए। वो लोग बोल रहे थे कि आप बाहर जाओ, सिक्योरिटी में चेकिंग होगी, फिर आपको अंदर आने दिया जाएगा। एंड दे वर लाइक कि अगर हम लोग बाहर निकले तो हम लोगों को अंदर आने नहीं दिया जाएगा। मैं इस बात से पूरा सहमत था। इन लोगों पे अथॉरिटी पे मैं कभी बिलीव नहीं करता हूँ, चाहे वो कॉलेज की हो, स्कूल वाले की हो, या कभी गवर्नमेंट ऑफिशियल। मैं भी ऐसे बहुत बार फंस चुका हूँ। सीक्रेट प्लेस है, यहाँ पे ये सब नहीं होने चाहिए। तो मुझे अंदर से ठीक नहीं लगा। मुझे लगा कॉन्टेंट बनाने चक्कर में, थोड़े से व्यूज के चक्कर में अपना सेल्फ स्टीम में खराब कर रहा हूं। इससे अच्छा कि गया व्लॉग गया तेल लेने, मैं सीधा घर चला गया। हाँ मैं यहाँ पे अभी रहना नहीं चाहता हूँ। लेकिन घर पे मोदी जी का स्पीच मैं लैपटॉप पे सुन रहा था। बाबा धाम आकर हर किसी का मन प्रसन्न हो जाता है। और थोड़ी ही देर बाद मोदी जी मंदिर में पूजा करने के लिए देवघर एयरपोर्ट से बाहर निकल गए। मैं वापस गया मंदिर जाने की कोशिश की मैंने। मैं सोचा कि अभी सब कुछ शांत हो गया, 120 FPS यानी कि स्लो मोशन तो मोदी जी पे बनता है, एक शॉट भी अगर मिल जाए तो अपना तो दिन बन जाएगा। लेकिन ऐसा होना पश्चिमा दरवाजा बंद रह गया, लेकिन नहीं, हम लोगों को एंट्री नहीं मिले। मैंने बहुत तरीके से ढूंढा, इस गली उस गली सारे जगह सब जगह फुल। उसके बाद ऐसे नहीं कि मैंने कोशिश दोबारा नहीं की, मैं वापस गया देवघर कॉलेज। वहां पे मैंने सोचा कि यहाँ पे 120 FPS लेके जाऊंगा, लेकिन स्लो मोशन वहां भी नसीब नहीं हुआ। वहां पे गाड़ियां रोक दी जा रही थी। मैंने बहुत कोशिश की, डोंट ब्लेम मी, मैंने बहुत कोशिश की।
मैंने सोचा कि व्लॉग अधूरा ही रह गया, स्टोरी पूरी बन नहीं पाई, पर तब पर भी मुझे शूट करने में मजा आया। देवघर में वहाँ अंदर बाबा मंदिर पूरा खाली था, वहाँ पे पूजा करने में सबसे ज्यादा मजा आया। लेकिन एज अ प्राइम मिनिस्टर उनको बड़ा फायदा हुआ, अकेले पूजा करने में तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं। इट वॉज अ फन डे। मैंने स्टोरी क्रिएट की, अब पता नहीं कैसा बना कैसा नहीं बना, पर अब मुझे भी आइडिया नहीं कि क्या बना है। आई विल हैव टू एडिट, तब पता चलेगा कैसा बना कैसा नहीं बना। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू गो लाइक शेयर सब्सक्राइब, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तो डोंट टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। मम्मी मुझे लगता है व्लॉगर्स लोग भी अपना स्वागत ऐसे ही करेंगे कुछ दिनों में, मुझे लग रहा है ऐसा।